हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और जैसे कि शायद आपको पता चल ही गया होगा, कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है 18 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक के सभी लोगों के लिए 1 मई 2021 से। सो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो सकती है, ऐसे में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे आप अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से पहले से रजिस्टर कर सकते हैं अपना स्लॉट और उस टाइम पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो गाइस, कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है cowin.gov.in वेबसाइट के ऊपर, क्लिक करना है register/sign-in-yourself के ऊपर। कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर कि आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप साइन इन कर सकते हैं आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के जरिए। अभी के लिए मैं मोबाइल नंबर के जरिए आगे प्रोसेस करूँगा, बिकॉज हो सकता है आप ये वाले ऐप यूज़ ना कर रहे हों। तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और क्लिक करना है गेट OTP के ऊपर। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के लिए वेबसाइट थोड़ा सा स्लो काम कर रही है, तो OTP आने में थोड़ा सा टाइम लगा। हो सकता है आपको भी थोड़ा सा टाइम लगे, तो कहीं भी क्लिक या फिर रिफ्रेश मत करिएगा, वेट करिएगा। कुछ ही सेकंड्स में मोबाइल नंबर पर आपको OTP रिसीव हो जाएगा, 3 मिनट के लिए वैलिड होगा। तो सिंपली यहाँ पर OTP डालकर आपको क्लिक करना है वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, वेलकम दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ पर दिया हुआ है 4 मेंबर्स के लिए आप एक मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 18 to 44, मतलब कि 18 से लेकर 44 साल के बीच में, और स्लॉट मिल जाएगा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे उनके लिए भी। और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर से एक बार पढ़ सकते हैं। फटाफट से अभी के लिए मैं रजिस्टर करता हूँ, तो क्लिक करना है रजिस्टर मेंबर के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि कोई भी एक फ़ोटो ID प्रूफ सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, तो इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड के साथ प्रोसेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर के बाद नेम जो है आपका आधार कार्ड के ऊपर वो डालना है। नेक्स्ट जेंडर सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड के ऊपर है, और सिंपली क्लिक कर देना है रजिस्टर के ऊपर। तो काफ़ी स्मूथ सा प्रोसेस है, सिंपली यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है और नॉट वैक्सीनेटेड शो कर रहा है। अभी के लिए चाहें तो और भी मेंबर्स हैं घर में, तो उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनके फ़ोटो ID प्रूफ और फ़ोटो ID प्रूफ नंबर सेम, वही सारी डिटेल्स फिल करनी है। अभी के लिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। तो शेड्यूल नाउ शो कर रहा है, क्लिक करते ही यहाँ पर मिलेगा आपको सर्च बाय पिन का ऑप्शन, और सिटी स्टेट के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, मतलब कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको। सिंपली यहाँ पर मैंने अपने सिटी का पिन कोड डाल दिया है और वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे सिटी में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स दिख रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले हैं, और यहाँ पर 18 ईयर्स से ऊपर वाले जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है 1 मई से, उसके लिए सेंटर्स का डेटा अभी तक नहीं है। हो सकता है जल्दी अपलोड हो जाएगा, पीछे दिया भी हुआ था जब आप जल्दी में अगर रजिस्टर कर रहे हैं, अगर डेटा अपलोडेड नहीं है तो वेट करिएगा, कुछ टाइम बाद साइन इन करके वापस से आप शेड्यूल कर सकते हैं। और 1 मई के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से आप इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो नज़दीकी जो भी आपका वैक्सीनेशन सेंटर हो वहाँ पर जाकर भी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 2 बार जाना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा बेहतर होगा। बाकी मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, कोविड-19 का वैक्सीनेशन जरूर कराएगा, वैक्सीन जरूर लगवाएगा। कहीं सुनी बातों पर और अफवाहें जितनी भी फैल रही हैं उन पर विश्वास मत कीजिएगा, बिकॉज अभी के लिए जो कंट्री के अंदर सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन हो सकता है सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे, थोड़ी सावधानियां बरतेंगे। और काफ़ी बार सुना गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और क्योर तो कोई अभी के लिए प्रॉपर अवेलेबल है नहीं, तो प्रिवेंशन तो हम रख ही सकते हैं। सो वैक्सीन ज़रूर से लगवाइएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाहर जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, मास्क ज़रूर से लगाइएगा। शादी ब्याह में कोशिश करिएगा मत जाएगा, अभी के लिए शादियां तो होती रहेंगी और जिनकी शादी हो रही है वो भी नहीं रुकने वाली। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी है कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर नहीं आता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ़।